मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महावीर सेवा सदन एवं परमार्थ निकेतन के संयुक्त रूप से कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। इस दौरान सीएम धामी ने महावीर सेवा सदन और परमार्थ निकेतन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो सेवा भाव से दिव्यांगों के कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसका अलग आत्मीय सुख होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों से भेंट की और उनका उत्साहवर्धन किया। सीएम धामी ने कहा कि दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। दिव्यांगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनेक सामाजिक संस्थाएं भी इनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड को दिव्यांगता मुक्त बनाने के लिए सभी को संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत का नारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान है। देवभूमि उत्तराखंड से हमें जय दिव्यांग के नारे को आगे बढ़ाकर दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड की शुरुआत करनी है। उन्होंने कहा कि 2024 तक उत्तराखंड को क्षय रोग मुक्त और 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, महावीर सेवा सदस्य देवेंद्र राज मेहता और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट। Thank you.